Hello brilliant students, this time we are doing for class 9th exercise 13.8 question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है, एक डोम आपको गिवन है. डोम को जो इनर सरफेस एरिया है उसके अंदर पेंट करना है, तो पेंट करने की टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है और पेंट करने की जो रेट है वो आपको दे रखा है. तो आप क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर देंगे तो वो एरिया आ जाएगा जहाँ पर कि पेंट किया गया है, दैट इज आपके पास सरफेस एरिया, जो उसका सरफेस एरिया है, इनर कट सरफेस एरिया है वो आ जाएगा. वहाँ से आपके पास रेडियस आ जाएगी, फिर वॉल्यूम पूछा गया है, आप वॉल्यूम में पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा. नहीं तो देखिए स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन क्या है, लेट अस सी. क्वेश्चन नंबर 8, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ऑफ अ हेमी स्फीयर फ्रॉम इनसाइड. It was whitewashed. At the cost of ₹498.96. With the cost of whitewashing. Of whitewashing is ₹2 per square meter. Find the first जो चीज हमें find out करनी है वो है inner surface, inside surface area of the dome. पहले ये question में dome है building का, वो हेमिस्फेरिकल फॉर्म में है, अंदर से उसे पेंट किया गया है, वाइट वॉश्ड, वाइट वॉश मतलब कलर किया गया है इस अमाउंट में. ये अमाउंट है जो उसमें लगी है ₹498.96. इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज, ये हुई उस, ये हुआ इसका रेट ₹2 पर मीटर स्क्वायर की पर वो पेंट किया गया है. हमें निकालना है, फाइंड द फर्स्ट चीज, फर्स्ट थिंग फाइंड आउट करनी है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम. सेकंड जो चीज निकालनी है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम. डोम के अंदर जो वॉल्यूम एयर का आता है वो निकालना है. तो सिंपल सी चीज़ है, इस टोटल रेट को डिवाइड करेंगे हम, इस टोटल अमाउंट को इस रेट से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया. सरफेस एरिया मतलब अब डोम हेमिस्फेरिकल शेप का है तो 2πr² आएगा हमारे पास, उससे 2πr² से आर आ जाएगी, आर की वैल्यू से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे. तो इसे कैलकुलेट फॉर्म में करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं क्या होता है. मान लिया कि जैसे ये बिल्डिंग है राइट, और यहां पर ये डोम है, ये इस तरीके से इसकी हमें इन हेमी स्फेरिकल डोम रेडियस R1 मीटर लेट कर ली हमने. ओके, इनर
सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन में रेट। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो उसमें भी हमने टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर दिया था। कि वैसे क्या होता है कि आपको रेट दिया जाता है और आपको बताना होता है कि इतना एरिया में टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, तो हम एरिया मल्टीप्लाई में रेट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट आता था। अब एरिया निकालना है तो जो रेट है वो मल्टीप्लाई में था, वो नीचे डिवाइड में आ गया है यहाँ पे। रेट ऑफ पेंटिंग टोटल कॉस्ट 498.96, रेट 2 रुपी है। लेट मी चेक कि ये कहीं गलती ना हो प्रिंट आउट में। नहीं, कोई गलती नहीं है, इट्स ओके। 2 से डिवाइड करेंगे इसको हम, 2 से काटा इसको, 249.48, ये हमारा आया 2πr², क्योंकि डोम को पेंट किया गया है अंदर से, तो ये अंडरस्टूड है कि इस एरिया पर जो ये एरिया है यहाँ पर तो कोई भी दीवार नहीं है, अगर होती तो फिर अंदर पेंट कैसे होता, इसलिए CSA का केस है ये, ओके, TSA का नहीं। r² इज इक्वल टू हुआ 249.48 अपॉन में 2π, तो 249.48 2 22/7, 7 गया ऊपर, डेसिमल हटेगा, नीचे आ गया 100, ओके। अब जरा देखिए ये 11 का मल्टीपल है या नहीं है, वैसे तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख लीजिए, नहीं तो ये केस और ये केस क्या आया, 2 9 11 11 8 19, 4 4 8 19 - 8 11, तो 11 का मल्टीपल या फिर 0 आए तो वो 11 का मल्टीपल होगा पूरा नंबर। 11 2 जार, तो ये काटा हमने, 11 2 जार 22, ये मल्टीपल है इसलिए 11 से डिविजिबल है। 2 9 29, 11 2 जार 22, 7 आया 74, 11 6 जार 66, 66 8 11 8 जार 88, और फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 1 जार, और हमारा आता है 2 1 जार, 2 11 जार, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। अच्छा, और कुछ बचा, एक 2 और बच रहा है, इसको भी काट देते हैं, 2 5 जार 10, और बचा यहाँ पर 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 1 2 7 जार 14, बड़ी वैल्यू बच गई। r² तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, एक तो 7 हो गया, 567 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये जा रहा है 7 से, तो जाना चाहिए तभी तो परफेक्ट आएगा, बिल्कुल जा रहा है 7 8 जा 56 एंड 7 1 जा 7, और ये 81 9 का होता है ना, तो क्या आया 7 1 7, ये था 1 7, यहाँ पर आ गया 7² हो गया, मल्टीप्लाई 81 मतलब 9² अपॉन में 100 मतलब 10² तो सबके स्क्वेयर हट जाएंगे और हमारे पास r की वैल्यू क्या आने वाली है, 1 7 आ जाएगा, 1 9 आ जाएगा और 1 10 आ जाएगा, 7 9 जार 63, 63 अपॉन में 10, इसको डेसिमल में नहीं लिखेंगे, पूछी है क्या, नहीं तो हम इसको डेसिमल में नहीं लिखेंगे, अगर पूछ रखी होती तो हम इसको लिख देते 6.3 मीटर, लेकिन अब हमें वॉल्यूम में जुट पड़ेगी, फिर हमें दोबारा डेसिमल में लाना पड़ेगा, तो नहीं करते। अब मैं ये बार ये मिटा देता हूँ, प्लीज लुक एट इट प्रॉपरली। चलिए अब मिटोते हैं इसको और फटाफट से फट निकालते हैं आंसर, लेट अस डू। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, डू केयरफुली, अदरवाइज योर टाइम विल बी वेस्टेड। तो वॉल्यूम निकालना है अब हमें, है ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 πr³, हेमिस्फीयर है ना इसलिए 2/3, 2/3 π, 22/7, 63/10, 63/10 एंड अगेन 63/10, 7 से काटा 7 9 जार 63, 3 से काटा
थ्री, चलो थ्री तो इस बार रोड ही नहीं अटका रहा है हमारे लिए कोई भी। तो अब हमारे पास जो बचता है उसकी कैलकुलेशन करते हैं, बचा हमारे पास 2, 22, 3, 63, 63 एंड दिस 3, 10। 22, 2 जार 44, 44, 3 जार 132 और यहाँ बचे 263। एक बार 63 से कर देते हैं उसको, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 6 2 जा 12, 1 6 3 जा 18, 1 19, 1 6 1 जा 6, 6 1 7। अब हमारा जो ये आंसर आया आया 6 9 2 11, 1 4 9 13, 1 7 8। अगेन 63 से करेंगे, 48, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 16 6 96, 6 3 जा 18, 1 6 8 जा 48, 48 1 49, 8 6 4 10, 1 19, 1 5 8 13, 1 3 9 12, 1 1 4 5। इतना हमारा आंसर आता है और नीचे है 0 1 2 3। तो सॉरी यहाँ पर तो 1 2 3 यहाँ डेसिमल लग जाएगा, 523.908 हमारा ये मीटर था, तो मीटर क्यूब में हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे दो आंसर हमने गेट कर लिए। एक आंसर हमने सी एस से निकाला था, वो आया था क्या आया था वो, ये एक आंसर हमारा ये हुआ था और एक आंसर हमारा ये आता है। एक बार चेक करें आंसर क्या है, 13.8, 523.9 मीटर क्यूब अप्रोक्स दे रखा है और एक हमारा 249.48 एग्जैक्टली राइट आंसर। एक बार दोबारा से फटाफट एक मिनट के अंदर देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में था कि हमें एक डोम है उसको कलर करना था, कलर कलर किया गया, कलर किए गए कि टोटल कॉस्ट आपको मिली है, उसका रेट आपको मिला है और आपसे पूछा गया है कि इनसाइड सरफेस एरिया और आपसे पूछा गया है वॉल्यूम। तो टोटल कॉस्ट आपके पास है और रेट आपके पास है, तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे रेट से तो हमारे पास वो एरिया आ जाएगा जिसको कि पेंट किया गया है। तो वो एरिया हमारा आया ये, दैट इज सी एस ए। तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अब इस सी एस ए की हेल्प से हमने निकाली रेडियस। रेडियस निकालने के बाद हम वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट करेंगे रेडियस को और हम कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में भी सावधानी बरतनी है। ओके स्टूडेंट्स, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस 8th क्वेश्चन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू 9th क्वेश्चन। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, हैव अ ग्रेट टाइम एंड कंटिन्यू प्रैक्टिस योर वर्क ऑफ कैलकुलेशन।